देवरिया में प्रेम यादव की हत्या के बाद हुए नरसंहार में प्रदेश सरकार बुलडोजर की कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। इसको लेकर रविवार को संपूर्ण यादव समाज बहराइच की ओर से सेनानी भवन में नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया गया। इसके बाद राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा गया। सभी ने कहा कि सरकार एक पक्षीय कार्रवाई कर रही है। देवरिया जनपद रुद्रपुर में बीते सप्ताह पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेम यादव की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद मृतक प्रेम यादव के समर्थकों और उनके परिवार के लोगों ने दुबे परिवार के 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इस मामले में सरकार ने सख्त कार्रवाई की है, लेकिन सरकार द्वारा की जा रही कार्रवाई को संपूर्ण यादव समाज बहराइच ने एक पक्षीय कार्रवाई बताते हुए रविवार को सेनानी भवन में धरना प्रदर्शन किया, जिसमें समाजवादी पार्टी के फ्रंटल संगठनों के पदाधिकारियों भी शामिल हुए। अखिल भारतीय यादव महासंघ बहराइच के जिला अध्यक्ष सुनील यादव ने कहा कि नुकसान दोनों परिवार का हुआ है। उनका कहना है कि प्रशासन सख्त होता है, यह घटनाएं ना होती, लेकिन अब सरकार की ओर से एक पक्षीय कार्रवाई करके यादव समाज के लोगों का नुकसान किया जा रहा है। समाजवादी लोहिया वाहिनी के जिला अध्यक्ष नंदेश्वर नंद यादव ने कहा कि पूरी परिवार और गांव की यादव समाज के लोगों के ऊपर सरकार की ओर से मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। अब मृतक प्रेम यादव के मकान पर बुलडोजर चलाने के लिए अनुमति मांगी गई है। यह सरकार की नाकामी साबित कर रही है। प्रदर्शन के बाद सभी ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट को दिया। राष्ट्रपति से सरकार को बर्खास्त करने की भी मांग की। इस दौरान डॉक्टर गौरव यादव, विनोद यादव, अमरदीप यादव, मुलायम यदुवंश, जितेंद्र वर्मा, अंकित यादव, अतुल यादव, आलोक यादव, शिव शंकर यादव, नंद किशोर, शेखर यादव, पंकज यादव समेत सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल रहे। मैं नंदेश्वर नंद यादव, मैं जिला अध्यक्ष समाजवादी लोहियावाहिनी जनपद बहराइच। हम लोगों ने प्रदर्शन कर ज्ञापन जो सौंपा है, देवरिया में रुद्रपुर में प्रेम यादव की हत्या कर दी गई थी और उसके बाद प्रेम यादव के हत्यारों पर पुलिस ने ना कोई कार्रवाई की, ना कोई उसको संज्ञान में लिया, जिसकी वजह से वहाँ कंट्रोवर्सी में दुबे परिवार की भी हत्या हो गई और उसके बाद एक तरफा कार्रवाई प्रेम यादव के परिवार पर की जा रही है प्रशासन द्वारा। तो लगातार लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, लगातार संविधान को ताक पर रखा जा रहा है। योगी बाबा द्वारा, उनकी पुलिस द्वारा अनैतिक तरीके से प्रेम यादव के घर पर नोटिस छपा की गई है बुलडोजर चलाने की। कम संविधान और लोकतंत्र का जो नियम है, संविधान की परिभाषा है, उसको तो मुख्यमंत्री जी जान लें। क्या लोकतांत्रिक तरीके से किसी का आप जो है, लोकतांत्रिक देश में आप लोकतंत्र का हनन करते हुए किसी का आप घर आप जबरिया आप गिरा देंगे? ऐसे काम नहीं चलने वाला। इसलिए आज हम लोग एकत्रित होकर के यहाँ प्रदर्शन करके गांधी प्रतिमा पर और ज्ञापन सौंपा गया है, राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन भेजा गया है कि भाजपा की सरकार जो लोकतांत्रिक तरीके से कोई काम नहीं कर रही है, लगातार लोकतंत्र को ताक पर रख करके, संविधान को ताक पर रख करके जंगल राज बनाने का जो काम कर रही है, उसको तत्काल बर्खास्त करें और जो समुचित कार्रवाई है, एक तरफा कार्रवाई ना की जाए, जबकि दोनों परिवार पीड़ित हैं, इसलिए दोनों के बातों को ध्यान में रखा जाए, यही मांग हम लोगों ने की। तो फिर हम लोग बाबा की ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे और यहाँ से लेकर के विधान भवन घेरने का काम करेंगे और अगर वहाँ भी नहीं बात बनती है तो जंतर मंतर तक जाने का काम करेंगे। सुनील कुमार यादव, जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय यादव महासंघ बहराइच। विगत 2 अक्टूबर को अभी देवरिया में जो एक ब्राह्मण समाज और यादव समाज में सामूहिक हत्याकांड हुआ है, उसी प्रकरण को लेकर आज हमने जिला मजिस्ट्रेट को राष्ट्रपति महोदय को संबोधित ज्ञापन सौंपा है। उसमें हमारी मांग है कि जिस तरह से एक प्रेम यादव हत्याकांड में प्रेम यादव परिवार के साथ जातिवादी रूप दिया जा रहा है, जाति देखकर उसे प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके घर पर अलोकतांत्रिक तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई करने के लिए नोटिस चस्पा की गई है, इसी प्रकरण को लेकर हम लोगों ने सिटी मजिस्ट्रेट को बुलडोजर से गिराया गया होगा, अभी तक की हमें जानकारी नहीं थी, अगर गिराया गया होगा तो उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा आंदोलन
होगा, जिसका अंजाम उत्तर प्रदेश सरकार आने वाले 2024 के चुनाव में भुगतेगी।